लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्रांसकॉन 2023 कॉन्फ्रेंस का शुभारंभ किया है। यूपी चैप्टर ISBTI और ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड इम्यूनोहॉर्टिकोलॉजी विभाग किंग चार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय की ओर से इसका आयोजन किया गया है। आइए आपको सीधे लिए चलते जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपना संबोधन दे रहे हैं। ब्लड की आवश्यकता है, लगभग 15% 15 से 20% ऐसे मामले देखने को मिलते हैं जहां पे इतनी कमी देखने को मिलती है, और यह तब जब इस फील्ड में बहुत कुछ परिवर्तन हुआ है। आज से दशकों पूर्व एक यूनिट ब्लड से केवल एक व्यक्ति के लिए उसको उपयोगी हम बना सकते थे, एक व्यक्ति के लिए उपयोगी हो पाता था, लेकिन आज एक यूनिट ब्लड कई लोगों की जान बचाने में योगदान दे सकता है। ब्लड कंपोनेंट सेपरेटर यूनिट लगने से आखिरी टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी, एक ब्लड से अलग अलग प्रकार के कंपोनेंट निकाल करके उसके माध्यम से अनेक लोगों की जान को बचाने में या उनके लिए उसे सहायक बनाने में उसने मदद की। लेकिन जिन लोगों ने उस टेक्नोलॉजी को नहीं अपनाया या जिन लोगों ने उस तकनीकी ज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ने का प्रयास नहीं किया, वे आज भी होल ब्लड पर ही निर्भर होकर के वहां की व्यवस्था को चलाने का प्रयास कर रहे हैं, और यहीं से समस्या खड़ी होती है। मैं अक्सर देखता हूं कितना अभाव होता है। मैं एक सांसद के रूप में गोरखपुर में लंबे समय तक काम किया, संजोग से मैं जिस धार्मिक पीठ से जुड़ा हुआ हूं उस कैंपस में एक चैरिटी हॉस्पिटल है, और चैरिटी हॉस्पिटल की इमरजेंसी में अक्सर भीड़ रहती थी। अक्सर कोई घटना हुई, कोई पेशेंट आया, कोई एक्सीडेंटल केस आया, भीड़ इतनी हो जाती थी, अव्यवस्था जैसी स्थिति पैदा होती थी। एक बार की घटना थी, मैंने देखा बड़ी अव्यवस्था, मैं उधर से गुजर रहा था तो मैं उतरा, मैंने कहा भीड़ क्यों है। मैंने देखा एक्सीडेंट से गंभीर रूप से घायल एक पेशेंट वहां आया हुआ था, डॉक्टर लगे थे लेकिन इतनी ज्यादा भीड़ थी कि उसके बीच में उन्हें फर्स्ट एड देने में भी दिक्कत हो रही थी। तो अब वहां पे